आराम आराम से सीधे सीधे आगे देख के स्टेयरिंग पे, स्टेयरिंग को देख के आगे आगे। समीर भाई ट्रैक्टर सीख चुके हैं भाई, थोड़ा स्लो चला लो यार, हम भाग रहे हैं। समीर भाई बहुत तेज चला रहे हैं ट्रैक्टर। तो कोई अगर एक बार गिर गया ना दोबारा निकलेगा नहीं, ये भट्टा है पूरा। तो इसी से मतलब ईंटें बनती है, यहाँ बनती है पूरी कच्ची वाली ईंटें, तो पूरे मतलब सीक्वेंस से लगाए रखी है और दूर दूर तक मतलब ईंटें ईंटें दिखेंगे आपको। ये भट्टा ये ईंटें हैं पकती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, मैं होप करता हूँ आप सब ठीक हो गए। तो गाइज अभी मैं रास्ते में था, बाइक से हम जा रहे हैं अभी इसके घर पर, मतलब अपनी फूफी के घर जा रहा हूँ मैं, और देखो उधर पीछे खड़ा हुआ था। तो अभी हम जा रहे हैं लैपटॉप देने, ये वाला लैपटॉप है नवाजिस का, तो उसको देने जा रहे हैं। अभी इसमें क्या क्या काम हुआ है, ओए क्या क्या काम हुआ इसमें, काम कुछ ना होगा। तो अभी इसमें क्या नाम है, स्क्रीन वगैरह डली है। तो अभी चलते हैं अभी रास्ते में हम, और वहाँ जाके अभी दिखाता हूँ आपको। तो अभी चल रहे हैं दुकान पे, खर्चा पानी दे रहे हो ना, दे रहे हो। अरे बिल्कुल यार, हद्दों में मतलब जो भी कहने वाली बात है। तो चलते हैं दुकान में और कुछ पियेंगे यार, ठंडा वंडा पीते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ए मुल्ला जी सुनो, चल भाई चल। तो निकाल ले भाई, क्या निकालेगा, स्टिंग लेंगे भाई हम, स्टिंग लेगा क्या लेगा। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, पंखे में बैठ जाते, थोड़ी देर स्टिंग पीते हैं। तो अभी मेरे पास नवाजिस का फ़ोन आया है, उनने मेरे को फ़ोन करके बुलाया है, वो ट्रैक्टर लेके कहीं पे जा रहा है शायद, लकड़ी वगैरह डालने किसी गांव में। तो अभी चलते हैं नवाजिस के पास और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक्टर पे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, आप देख रहे हो मेरे पीछे, तगड़ा मौसम हो रहा है बहुत ही। अब देखो इधर ये दूसरे वाले मोहल्ले में जा रहा हूँ मैं, नवाजिस के मोहल्ले में। तो उधर ये डैर है मतलब तालाब है, तो देख लो जल्दी चलते हैं। ये खड़ा कर रखा है इसने ट्रैक्टर, धूप में खड़ा कर रखा, लकड़ी डालने जा रहा है। हाँ भाई चले। तो ये खड़ा कर रखा है, लकड़ी वगैरह डालने जा रहा है, चले फिर। ये क्या लगा रखा है, कहाँ है दानिश, दानिश यार वो मना सकता। तो कहाँ जा रहे हो इसे लेके, ये लकड़ी वो गेरकानी भट्टे पे। अच्छा भट्टे पे गेरकानी है, कौन से वाले भट्टे पे, जमना से आगे। अरे जमना से आगे, तो अभी चलते हैं दानिश, चलो बैठते हैं यार, फिर बैठ जाते हैं भाई। गर्मी तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, सही है मतलब ये गाना चलाने के लिए। अरे सही है, तो अभी चलेंगे, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है देख रहे हो तुम, तो अभी चलते हैं। लकड़ी डालने जा रहे हैं अभी नवाजिस, ट्रैक्टर चलवाओगे नहीं, बिल्कुल यार पक्का। तो आज चला के देखेंगे भाई, ट्रैक्टर इसका ही ट्रैक्टर है ये, सब कुछ चलवाएंगे। देखो सामने उधर भट्टा है जिसमें ईंट वगैरह बनती है ना, वही वाला भट्टा है ना, पिपलमेंट का तेल। हाँ ये तो ये होता है, देखो मतलब मजा आने वाला है, ट्रैक्टर वगैरह चलाएंगे। धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है,
दिन के बज रहे हैं 3, ज़्यादा तेज धूप हो जाती है, बस पूछो मत। और ट्रैक्टर की आवाज़ भी मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, अभी चलते हैं सामने। चैलेंजर भाई इसकी आवाज़ इतनी तेज आती है, देखो तो इसी वजह से, मतलब ट्रैक्टर में बहुत तेज आवाज़ आती है ना, इसी वजह से हमारी आवाज़ नहीं आती। सामने वो भट्टा है, शायद इसी वाले में जाएंगे, आगे वाले में जाएंगे, देखेंगे अभी। ये देखो धूप कितनी तेज हो रही है भाई साहब, ट्रैक्टर की मौज अलग है ना, मौज ही अलग भाई ट्रैक्टर की। भाई साहब ब्लैक करके, ब्लैक कलर का बहुत अच्छा लगेगा, मॉडिफाई हाँ तो ठीक हो जाएगा ये, मॉडिफाई करके तो भाई एक नंबर का लगता है ट्रैक्टर। पहले भट्टे पे उतारना है सारी लकड़ियाँ, अच्छा यहाँ तुलेंगी। तो यहाँ ये लकड़ियाँ अनलोड कर रहा है लड़का, लगा रहा है ट्रैक्टर सीक्वेंस में, मतलब फिश करके लगा रहे हैं, ये उतारेगा। तो यहाँ ना ये ईंटों का भट्टा है, अभी इसको दिखाता हूँ अंदर पास में जाके, तो देखो। और सामने दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले भी इनको उतारने दे, फिर अंदर चलेंगे थोड़ा सा घूमने। यहीं उतार दे, यहीं उतार दे। तो गाँव में रहना पड़ता तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और धूप वगैरह में घूमना पड़ता है। तो देखो ये उछालेगा ट्रैक्टर, मतलब पीछे सारी लकड़ियाँ गिर जाएंगी, तभी दिखाते हैं कैसे उछालेगा भाई, इसे उछाल के दिखाओ। हाइड्रोलिक वाला होता तो अपने आप उछल जाना, लेकिन ये तो थोड़ा सा उछालना पड़ेगा भाई। अनलोड करेगा लड़का, देखते हैं। ये ट्रैक्टर है पूरा, पहले मैंने दिखाया, पहले भी देखा होगा आपने, ये ट्रैक्टर आयसर 335 ट्रैक्टर का नाम है इसका, नहीं सॉरी एस्कोर्ट, आयसर का नाम है, एस्कोर्ट है ये, बहुत आवाज़ करता है भाई। और सामने ना उधर ईटी देख रहे हो, कच्ची ईटियाँ बनती है, लड़के वगैरह काम कर रहे हैं इधर। और सामने इधर ये भट्टा, ये ईटियाँ हैं पकती हैं। अच्छी है हाँ, वो ये ना पीछे वजन हो जाएगा तो आगे से फिर उछालने में दिक्कत ना होने की। सही है भाई ये भी सिस्टम, देखो भाई कितना मेहनत करता है नवाजिश भाई, हमारा मेहनत करता है बहुत। ऊपर देख के तार है नवाजिश, ऊपर तार है, ऊपर देख के बिड़े ना जियो। तो अभी दिखाता हूँ ये उछालते, फिर देखते हैं। उछालने का सिस्टम बनाया है कुछ इस तरीके का, दूर अड़ जाता हूँ भाई, कोई नहीं पता। अबे भाई ऐसा नहीं होएगा, रपट रहा है ये, सही से लगा भाई, जब जाके उछलेगा ये अंदर को तो पूरा भर लिया, यहाँ लगा इसे मैंने भी इसके। तो देखो उछालने का सिस्टम बना रहे हैं, इसको पीछे उछालना पड़ेगा ना ये, रपट जा रपट जा, अरे रपटने का नहीं, रपटने का ना यार, चली करो तभी उछालेगा इसको भाई साहब। ऐसा ना होने का यार, ये छोटी पड़ रही ना, ये छोटी पड़ रही है यार, ये ना होने की, ये लेके आओ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार गाँव में रहने की, देख लो मेहनत ही मेहनत है पूरा। देखो इधर यार धूप देखो कितनी ज़्यादा तेज हो रही है यार, बहुत ही गंदी धूप हो रही है भाई कसम से, देख लो। अभी सिस्टम बिठा रहे हैं ये उछालने के लिए, और धूप में ही मैं ही खड़ा हूँ यार, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है धूप में खड़े होकर। करो यार जल्दी भाई, कैसे करते हैं, रुक जा। हमने कहा हाथ लगवाऊं, ये उछालना पड़ा है, अभी मेहनत लगाई है हमने भी काफी मेहनत कर ली। आगे को ले, आगे लेके मार, आगे करके हाँ पेड़े कर आगे कर ना, नहीं कि आगे नहीं, पीछे आगे कर उतर के। तो भाई साहब अनलोड कर दिया। चल साइड में खड़ी कर ले भाई ट्रैक्टर, अंदर वहां थोड़ा सा घूम के आएंगे, चल अंदर चल रहे हैं। सारी लकड़ी उतार दी हमने, लेकिन भाई गर्मी बहुत ज़्यादा तेज लग रही है। बस 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 आगे कर ले।
अरे आराम से चल चल। नवाज़ खड़े थे साइड में, बस बस आजा, बंद कर ले, बंद बंद करके आजा आजा, आगे चल रहे हैं आजा, अबे आगे घूम खाएंगे, अबे जहाँ कच्ची ईंटें बन रही हैं और के भाई घूमना पड़ता है, जो अभी कच्ची ईंटें जहाँ बन रही है ना, पकी हुई तो इधर ज़्यादा पकती है भट्टे में, और कच्ची वाली ईंटें दिखाता हूँ अभी तुम्हें, आगे चल रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी आ जा। ओए नवाजी से आ जल्दी आ, रख दे तो कच्ची वाली ईंटें दिखाता हूँ तुम्हें, साँचे से बनती है ना, देखो दिखाता हूँ अभी, साँचे भी दिखाता हूँ, दे देखो ये इधर घर है इनके जो बनाते मतलब ईंटें, और इस साँचे से बनती हैं ईंट, देख रहे हो ना, इसी से बनती है, देखो इसमें नाम वगैरह लिखा है, और ये ईंट बन रही है, ये देख लो पूरा, तो इसी से मतलब ईंटें बनती हैं, यहाँ बनती है पूरी कच्ची वाली ईंटें, तो पूरे मतलब सिक्वेंस से लगाए रखी है, और दूर दूर तक मतलब ईंटें ईंटें दिखेंगे आपको, इस गारे से बनती हैं, पानी वगैरह डलता है इसमें, शाइनिंग में भी है देख लो, और उधर सामने भट्टा है ना उसमें जाके पकती है ना उसमें, तो उसमें पकती है, उधर चलते हैं, उधर दिखाता हूँ तुम्हें, रेड रेड जैसे मतलब जैसे पक जाती नहीं, जैसे घर बनता है वाली रेड कैसे होती है, कितनी आग जलती है, तो भी आगे चलते अभी दिखाता हूँ, भाई गर्मी लग रही है जल्दी भाग के आ। हाँ आगे चल रहे, चल ट्रैक्टर घुमा ला अपना, ट्रैक्टर वैक्टर नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है यार, क्या वो तो जला ले सिगरेट पी, तो ये देख लो, अच्छा इसके अंदर पकती है, ऊपर जाना बेकार है ना, ऊपर जाना भगवान करने के लिए, उबाल देगा आदमी को, गर्मी बहुत ज्यादा चीज हो रही है ना, भुन जाएगा आदमी भुन, और वहाँ तो कच्ची वाली ईट रखी थी, यहाँ पकी वाली रखी, जो इसके अंदर से पक्के निकल गए ना, तो देखो ये ईटा निकलती है इसके अंदर से, इसके ऊपर जब चलते हैं ना आदमी, तो लोहे के कारण नीचे से तो लकड़ी के वो पहन के चलते हैं, चप्पल जो पैरों पर, फिर भी एक बार थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, ज्यादा ऊपर ना जाने को, देखो यहाँ पकती है ईटे, ऊपर जाना बेकार है क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा उमस लग रही है, दूर आग जल रही है सारी, कोई अगर एक बार गिर गया ना बहुत ज्यादा मोते भी होती है इसमें, मतलब कोई अगर एक बार गिर गया ना दोबारा निकलेगा नहीं, ये भट्टा है पूरा, और धूप देखो कितनी ज्यादा तेज हो रही है, चलो नवाज भाई यहाँ से निकल, गर्मी हो रही है बहुत, इधर ईंटें ये रखी हुई है जो पक के मतलब तैयार हो गई हैं, अभी चल रहे हैं और फोटो वगैरह लेंगे इसमें अभी थोड़ी देर में, सामान खाएंगे मूतने भग गया वो, अरे कोई नहीं भाई, जो चीज़ है वो दिखाना, बिल्कुल वही दिखा, जो चीज़ दिखाएंगे जो है, अभी चलते हैं उधर की साइड में फोटो वगैरह लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं भाई, गर्मी इसमें ज़्यादा तेज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, तगड़ी गर्मी, पसीना आ गया भाई एकदम, 40 डिग्री टेम्परेचर टेम्परेचर है 40 डिग्री सोच लो, और दिल्ली में तो भाई तूफान और आंधी आ रखी है, बारिश वगैरह हो रही है बहुत दबा के, सामने ट्रैक्टर है और यहाँ ट्रैक्टर लेके चलते हैं, वहाँ भी तो लेगा ना ट्रैक्टर द्वारा, हाँ दोबारा तो लेगा, अच्छा क्योंकि भाई इसमें कुछ सिस्टम होता है, तो अभी चलते तुलवाते हैं, साइड में इन्होंने ना ईंटें स्टोर करके रख रखी हैं, कच्ची ईंटें बिल्कुल पूरा गोदाम है, क्या स्टोर करके रख लेते हैं क्योंकि क्या पता बारिश वारिश जाती है, और सामने देखो ये भट्टा है हमारा, भट्टा मतलब जिक्र नहीं होगा पता नहीं, तो अभी ट्रैक्टर तुल रहा है, और अभी फोटो वगैरह लेते हैं इसके, और फिर घर निकलते हैं यहाँ से, बजा ले भाई साहब अब गाने, अब यार तू चल अब बैठे माते जल्दी चल, आराम आराम से सीधे सीधे आगे देख के स्टीयरिंग पे, स्टीयरिंग पे देख के आगे आगे, बड़ा बड़ी बड़ी वाली ये हमारे समीर भाई ट्रैक्टर सीख चुके हैं और बढ़िया है भाई, चलो स्लो चला लो यार हम भाग रहे हैं, और स्लो चला लो हम भागना पड़ रहा चलो I call that
चलो चलो मजा आ रहा है ट्रैक्टर चलाने में। चलो आराम आराम से चलो 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 ना ना बहुत है भाई साहब। इतना लो मजा कार और बाइक चलाने में नहीं आता जितना मजा आता ट्रैक्टर चलाने में। ठीक है भाई मजा आ गया कुछ भी हो। तुमने ना ड्रीम जो पूरा होता ना वो कर दिया। अरे तो मजा आ गया भाई ट्रैक्टर चला के। तो अभी घर चल रहे भाई, धूप हो रही बहुत ज्यादा, चल गए। तो भाई साहब हम आके घर पे अभी ट्रैक्टर पार करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठंड में ट्रैक्टर पार कराया क्योंकि इतनी ज़्यादा ना ये सीटें गर्म हो गई थी भाई, बैठते ना जल गई, मतलब बिल्कुल जल जाती है। तो अभी ये पार कर रखा है अभी ट्रैक्टर वगैरह। और इसका सामने घर बन रहा था ना वो देखो, अंदर गली में नवाज़ का घर है, इधर मस्जिद है, ये गाँव की इनकी मस्जिद है। और ये देखो हमारा घर बन रहा है। अच्छा अभी बन रहा है ये पड़ा ना ये सिस्टम वगैरह। तो बकरे वगैरह सारे तुम्हारे भी है क्या इसमें? हमारे दो हैं बकरे। अच्छा दो हैं, तो ये देख लो। तो नवाज़ जी बोलिए स्टिंग लिया जाके। स्टिंग लेके? हाँ स्टिंग लिया। तो अभी स्टिंग वगैरह पीते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि घर जाना है मुझे, अपने ताऊ के घर, मतलब मेरे अब्बा के घर। तो अभी चलेंगे क्योंकि हम यहाँ ना अभी इसका लैपटॉप देने आए थे तो इसी वजह से आना पड़ गया था हमें। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है दोपहर में, इसी की वजह से आ जाते हैं क्योंकि यार मेरी और नवाज़ की यारी जो है ना बहुत ही मतलब तगड़ी वाली है। मतलब दिल्ली में भी साथ रहते ज़्यादातर, और हम जहाँ कैफ़े वगैरह जाना हो या अगर पार्टी वगैरह करनी होती तो हम साथ में रहते हैं। हाँ भाई तौफीक आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ। तो अभी ये तौफीक भाई हैं। हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया तुम बताओ। बस बढ़िया। अभी ये ट्रैक्टर चला गए ये भाई साहब, मजा आ गया ट्रैक्टर चला के। अभी ये वो गिरने गया था। अच्छा तो ये तौफीक भाई है, ये भी इसी इनके मतलब गांव में रहते हैं। तो अब व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, अब यूट्यूब पे छाओगे तुम भी। तो अभी स्टिंग वगैरह मंगाई फिर चलते हैं।